Dear स्टूडेंट्स हैव अ वेरी स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 4। जी हाँ, मैं ऑलरेडी आपको कैश डिस्काउंट के बारे में, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पहले ही पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में मुझे करनी है 7 एंट्रीज और आपको समझाना है कि कैसे हम ट्रांजेक्शन्स को किसी के साथ डिस्काउंट में डील करते हैं। बिल्कुल आप समझेंगे और मैं चलता हूँ सीधा क्वेश्चन पे और आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4th इलस्ट्रेशन है, इसमें मेरे पास 1 जून 2018 की एंट्री है। पहली एंट्री 1 जून 2018 की है। इस एंट्री में वो कहता गया है, साथ साथ मैं पढ़ रहा हूँ रकम, साथ साथ समझा रहा हूँ, साथ साथ एंट्री कर रहा हूँ। आपको तो कंसंट्रेट करके सुनना है मुझे। पेड कैश टू महेश, महेश को नगद पैसे दिए 9600 एंड रिसीव डिस्काउंट 400 रुपीज़ और 400 रुपये का डिस्काउंट उससे प्राप्त कर लिया है। हमने महेश को पैसा दिया है, तो महेश क्या है? महेश रिसीवर है, क्या हो जाएगा? डेबिट। हमने महेश को पैसे दिए 9600, ठीक है, 9600 हमारे पास से कैश चला गया, ठीक है, और साथ में हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। अगर हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो वो रिसीवर है, ठीक है। डिस्काउंट जो रिसीव कर रहे हैं वो हमारी क्या है, एक प्रकार से, ठीक है बेटा, जो डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं वो कैश क्या होता है हमारे लिए, वो हमारे लिए इनकम होता है। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है क्योंकि पे देते वक्त है और कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। जी हाँ बच्चों, ये कैश डिस्काउंट है और हम दे रहे हैं कैश, कैश हमारे पास से जा रहा है। कैश जब जाता है तो बोन होता है, बोन होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो हमारी क्या होती है, एक तरह से इनकम या प्रॉफिट है, हमें एक तरह से हमें ये प्रॉफिट है या गेन है, जो मर्जी के लिए ये हमें लाभ है, इसलिए क्या करते हैं? क्रेडिट। हमारे पास ये कैश कितना चला गया, पहले क्रेडिट में लिखेंगे 9600, डिस्काउंट कितना रिसीव कर लिया 400 रुपये। इसका मतलब है फुल एंड फाइनल जो डेबिट में एक आइटम्स आए उसका भुगतान कितना कर दिया महेश का, महेश का भुगतान कर दिया 10000। जोड़ लीजिए 9600 हमारे पास से कैश लिया, ये डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव इनकम है इसीलिए क्रेडिट हो जाएगा, इनकम है गेन है इसीलिए लाभ है ये इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, 9600 दिया है कैश लिया है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। टोटल मिला के हमने कितने का हिसाब कर दिया, 10000 का, और 10000 किसको दिया है? महेश को। महेश तो डेबिट है ना क्योंकि वो रिसीवर है, ठीक है मेरे बच्चों। ये हो गया बी कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट, कैश पेड टू महेश रुपीज़ 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव है, दी नहीं आपको, ली है आपने, डिस्काउंट रिसीव रुपीज़ 400 और 400 डिस्काउंट आपने ये दिया। बस फर्स्ट एंट्री आ गई और अगले चलते हैं सेकंड एंट्री में, और सेकंड ट्रांजेक्शन होता है हमारा जून 4th को होता है ये ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन में क्या कहता है सुनिएगा, कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, अरुण से कुछ कैश आया है और वो कैश आया है 4900 रुपये का, 4900 मतलब 4900 रुपीज़ का आपके पास कैश आया है एंड डिस्काउंट हमने उसको दिया है 100 रुपीज़ का। कितना डिस्काउंट दिया है? 100 रुपीज़ का। अब हमने दिया है, अरुण से आया है, क्या आया है? कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया ना कैश अकाउंट। मैंने आपको बता दिया था जहाँ कैश होता है वही डिस्काउंट होता है, ये कुछ ऐसा ही है कि कैश प्राप्त करते हैं डिस्काउंट रिसीव करते हैं, कैश पेड कर रहे हैं, ठीक है। कैश ये अरुण से आया है हमारे पास, अरुण से आया है इतना, तो डिस्काउंट हमने अलाउ किया होगा। जब हम कैश प्राप्त करते हैं तो डिस्काउंट देना पड़ता है, तो देना पड़ता है तो नुकसान हो जाता है। हमने कैश प्राप्त किया 4900 रुपये का, डिस्काउंट हमने उसको दिया है इसका मतलब हमारे लिए लॉस है, इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। कैश आया 4900 रुपये, कैश आने पे डेबिट होता है, डिस्काउंट हमने दिया। जब कैश आता है डिस्काउंट हम देते हैं, ठीक है, और देने वाला कौन था? अरुण। अरुण कौन था? गिवर, ठीक है मेरे बच्चों। इस तरह से अरुण जो है क्रेडिट में आएगा, वो गिवर है, उसका हिसाब कितना चुकता हो जाएगा? 5000 का, अर्थात अरुण का हिसाब कितना 5000 का होगा,
जिसमें से हमने प्राप्त कर लिए 2900 रुपये, 100 रुपये का उसको डिस्काउंट दे दिया, जो उसको डिस्काउंट दिया वो हमारा लॉस है, यहाँ हमने डिस्काउंट रिसीव किया था, हमारा फायदा था, इसलिए राइट हो गया था। बी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण रुपीज 4900 एंड डिस्काउंट अलाउ किया है, अर्थात हमने आपको नुकसान किया है रुपीज 100। ये नरेशन है जो आप नहीं करती है। अब अगला ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, अगला ट्रांजेक्शन है मेरे पास जून 10 का, गुड्स सोल्ड टू हरीश, हरीश को माल बेचा कितने का, 30,000 का। 10th जून को माल बेचा है, वही एटी नहीं चल रहा है मेरे बच्चे, हरीश को माल बेचा है, हरीश को डेबिट करेंगे क्योंकि हरीश तो यहाँ प्राप्त करने वाला उधार बेचा है ना, हरीश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हरीश क्या है रिसीवर, माल बेचा है तो हरीश रिसीवर, क्या किया है गुड सेल करी है तो क्या आएगा सेल अकाउंट। बी गुड्स सोल्ड टू हरीश, गुड्स सोल्ड टू हरीश, हरीश को माल बेच दिया है, कितने का माल बेचा है, हरीश को माल बेचा है 30,000 डेबिट, 30,000 बच्चों मेरे पास फोर्थ एंट्री जो है वो होने जा रही है 12 जून को, हरीश रिटर्न द गुड्स, हरीश ने पिका हुआ माल जो है हमें वापस भी किया है, 2,000 रुपये का माल उसने वापस किया है, हमने बेचा था, अब बेचा हुआ माल हरीश हमें वापस कर रहा है, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो वो सेल रिटर्न है, जो इसका उल्टा चलेगा मेरे बच्चों, सेल से जो एंट्री होती है सेल रिटर्न की वो बिल्कुल ही उल्टी होती है, ये याद रखना है आपको, जून 12, 2018 ठीक है। अब सेल से उल्टी सेल रिटर्न होती है, सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न क्या होती होगी, डेबिट होती होगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है, सेल की उल्टी सेल रिटर्न होती है, सेल रिटर्न डेबिट, और हरीश जब हम बेच रहे थे तो हरीश रिसीवर था, जब वो हमें वापस भेज रहा है तो वो क्या है गिवर है। या फिर आप एक बात अच्छी तरह ध्यान से माइंड में रख लें, सेल की एंट्री ही उल्टी एंट्री ही सेल रिटर्न होती है, सेल जो हमने करी है सेल का नेचर है क्रेडिट का, इसका नेचर है डेबिट का, हरीश उस समय रिसीवर होता है जब वो खरीदता है, ठीक है, जब हम उसे देते हैं, लेकिन जब वो वापस करता है तो वो गिवर होता है, तो सेम एंट्री उल्ट जाती है, इस समय 2,000 की गुड्स वापस आई, 30 का हमने बेचा, 2 का उसने वापस किया, बाकी रहेगा बैलेंस हमारा 28 का। मेरे बच्चों ये 4 एंट्री जो मैंने की हैं, अभी 3 एंट्री और बाकी हैं और मैं इसी में कर रहा हूँ आपके सामने ही, और मैं चाहूँगा आप ध्यान दें, ये मैं रब कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इसी जगह पर कंटिन्यू कर सकूँ इस सवाल को पूरा ख़त्म होने तक, और आप भी जब मैं पढ़ाऊँ तो बुक खोल लिया कीजिए ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट हो पाए, मैं कोशिश पूरी करता हूँ बताने की कि ये रिसीवर है ये गिवर है, फिर भी अगर कोई आइटम रह जाती है तो दोबारा पूछ सकते हैं आप मेरे बच्चों। जी हाँ, अभी मैं चाहूँ तो सारा रफ कर सकता हूँ, लेकिन चलो अगली एंट्री क्या है, वो चारों एंट्री होने के बाद जून 14 की एंट्री है मेरे पास, जून 14 की, क्या कहता है मैं बड़े ध्यान से पढ़ूंगा इस ट्रांजेक्शन को, वो कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 एंड फुल सेटलमेंट इज कंप्लीटेड, फुल सेटलमेंट हो गई है, हरीश को अगर देखा जाए तो माल बेचा था 30,000 रुपये का, रिटर्न आ गया था हमारे पास 2,000 रुपये का, टोटल हमने उससे लेने कितने हैं 28,000 रुपये, इसका माल हमने बेचा था पहली तीसरी एंट्री में, चौथी एंट्री में 2,000 का माल वापस आया, हमने उसे लेने कितने 28,000 रुपये, और हमें वो दे कितना रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश, कितना मिल रहा है हमें मिल रहा है 27,500, कितना आ रहा है हमारे पास कैश, आ रहा है ना, कैश आने पे क्या होता है डेबिट 27,500, और बल्कि हमें तो अगर 27,500 आ रहा है तो हमारा नुकसान कितना हो रहा है फिर 500 का, ये हमारी डिस्काउंट कहलाएगी, क्या कहलाएगी कैश डिस्काउंट, क्या कहलाएगी कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट तो एंट्री होती है, 500 का नुकसान है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना 500 रुपये, और ये आ किससे रहा है जो फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, वो बंदा कौन सा है जिससे हमने बात करी है, वो है हमारा हरीश, हरीश को 30 का बेचा था 2 का वापस आया, 28 लेने हैं हरीश से, हमने 28 लेने हैं,
27,500 हमारे पास कैश आ गए, तो मैंने ऐसे ही किया था, 27,500 का क्या हो गया नुकसान। कैश के साथ डिस्काउंट चलता है मेरे बच्चों, जब कैश रिसीव्ड होता है ठीक है डिस्काउंट अलाउड होता है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी जैसे जैसे आप करेंगे। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश रुपीज 27,500 एंड डिस्काउंट अलाउड, खुद सोचना पड़ेगा हमें कि 28,000 लेने थे और हम 27,500 में सेटलमेंट कर रहे हैं, ले रहे हो 28,000 सेटलमेंट हो 27,500 में, तो 500 का डिस्काउंट ही होगा एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 500 फॉर फुल सेटलमेंट, फॉर फुल सेटलमेंट पूरी सेटलमेंट कर रहे हैं। कोशिश कर रहा है मेरा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ठीक है। जनरल एंट्री अच्छी तरह समझते जाएगा। अब दो एंट्री रहेगी मेरे पास, एक जून 20th की, एक उसके बाद की, फिर ये सब खत्म होगा। जून 20 में क्या है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को कुछ माल बेचा है और लिस्ट प्राइस है 60,000 और 10% का ट्रेड डिस्काउंट, गोपाल को माल बेचा है 20 जून की एंट्री है। मैं वर्किंग ऑन यहाँ थोड़ी सी इसकी सुनाने की कोशिश करूँगा। हमने गोपाल को माल बेचा, गोपाल उस माल को पाएगा, गोपाल अकाउंट डेबिट, हमने सेल की है, उधार बेचा है ना, गोपाल का नाम आया, सेल करा कहीं आया नहीं भी, कैश बेचा है, सेल अकाउंट ठीक है। 60,000 की गुड्स बेची, 60,000 क्या था लिस्ट प्राइस, 10% क्या है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो 10% कितना बनेगा 6,000 बनेगा, 10% निकालेंगे इसका 6,000 बनेगा, तो बिल कितने का कटेगा 54,000 का, तो इसको तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती ट्रेड डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट को सीधा हम क्या करते हैं, जो भी रकम माल बेचते हैं उसको बिल में से क्या करते हैं काट देते हैं, इनवॉइस में से काट देते हैं, मैंने बताया था थ्योरी में, 60,000 में से 6,000 चले जाएंगे, बाकी बचेंगे 54,000, इसका बिल कटेगा और ये आएगी 54,000 की सेल क्रेडिट, डायरेक्ट हम काट लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट को, 54,000 में गोपाल के लिए डेबिट और ये आपका 54,000 के सेल में क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोपाल लिस्ट प्राइस कितना है 60,000, लिस्ट प्राइस 60,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, अभी समझ, जब इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट कट जाएगी, ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट 6,000 काट दो 54,000 की एंट्री होगी, आपको स्पष्ट कर दिया नरेशन ने कि ऐसे ही एंट्री बनेगी। अगली है मेरे पास बच्चों जून 23 की एंट्री और इसमें कहा गया है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से हम कुछ माल खरीद रहे हैं और उसकी लिस्ट प्राइस है 20,000 रुपये की, कितनी है 20,000 की और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 15,000 रुपये का। अब की बार हम गुड्स खरीद रहे हैं तो क्या होगा परचेज, खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्यों परचेज एक एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा ठीक है। तो जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम क्या है, वो खरीद रहे हैं हम लोग रवि से ठीक है मेरे बच्चों, हम रवि से खरीद रहे हैं और इसमें उसने कहा है कि 15% ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट की कोई बात अभी तक उसने की नहीं है, तो कोई बात नहीं ट्रेड डिस्काउंट का ही हो सकता है सम हो, तो हम माल खरीद रहे हैं इससे 20,000 रुपये का, 20,000 का माल खरीद रहे हैं लिस्ट प्राइस 20,000 और डिस्काउंट की बात कर रहे हैं हम कितनी 15%, वो कितनी बैठेगी 20,000 बोला 15% 100 कर लीजिएगा कितनी बैठेगी 3,000 ट्रेड डिस्काउंट, इसमें से ट्रैक माइनस करिए तो बिल कितना कटेगा 17,000 का, तो बेटा 17,000 का हमने माल खरीदा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद ही हम कुछ कर पाते हैं और ट्रेड डिस्काउंट की जो है एंट्री वो शो नहीं होती है, जबकि कैश डिस्काउंट की एंट्री हमने शो करी है हर बार, जो हमने कैश के लिए कैश के साथ एंट्री बनाई है ये इससे पहले की कैश वाली उसमें तो वो कैश डिस्काउंट थी, यहाँ पर क्या है ट्रेड डिस्काउंट 17,000 रुपये और 17,000 रुपये का बिल कट गया। यहाँ लिख सकते हैं आप बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑफ रुपीज 20,000 एंड प्रोवाइड 10% ट्रेड डिस्काउंट और 15% ट्रेड डिस्काउंट। मेरे बच्चों ये सब इतना ही है, होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।